भारत के 9 सबसे अमीर भिखारी, कमाई जानकर आपके उड़ जाएंगे होश। आप जिनको चिल्लर 1 या 2 रुपए देते हैं उनसे जुड़ी ये खबर आपको चौंका देगी। देश के लगभग हर चौराहे और रोड पर आपको भीख मांगते कई भिखारी नजर आते हैं, जिन्हें आप शायद रहम करके कुछ रुपए दान में दे देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिस भिखारी को सिक्कों की भीख देते हैं, वे दरअसल 1 करोड़पति निकल आए तो आपके चेहरे का भाव देखने लायक होगा। आज हम आपको जिन भिखारियों के बारे में बताने जा रहे हैं, वे दरअसल भारत के सबसे अमीर भिखारियों में शामिल हैं, पर शायद ही उनके बारे में आपको कुछ पता हो। ये भिखारी सुविधा संपन्न हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी है, दुकानें हैं और करोड़ों का बैंक बैलेंस है। इसके बावजूद भी भीख मांगना इनका पेशा है। आप भी जानिए भारत के खास और 9 करोड़पति भिखारियों के बारे में। भन्ना भन अंग्रेजी बोलने वाले 49 साल के भिखारी भरत जैन को जानिए। जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 65,000 रुपए कमा लेते हैं, जो कि वहां के मुख्यमंत्री की पगार से भी अधिक है। है ना होश उड़ाने वाली बात। तो और सुनिए, इनके पास खुद के 70 से 70 लाख के 2 फ्लैट भी हैं। भरत भांडू इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक भी हैं। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान है। इन दोनों दुकानों से भरत को 10,000 रुपए महीने का किराया मिलता है। भरत के परिवार में उनके पिता और बीवी बचे हैं। भरत हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारी हैं, फिर भी अगर ये परेल पर भीख मांगते दिख जाएं तो हैरान मत होइएगा। पटना के भिखारी पप्पू कुमार, बैंक बैलेंस 1 करोड़ से भी ऊपर। भिखारी पप्पू कुमार पटना, ये जनाब हैं पप्पू कुमार, पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से भी ऊपर है, फिर भी लोगों से यह कहकर भीख मांगते हैं कि कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, कुछ खाने के लिए रुपए दे दो। अक्सर लोग इनकी हालत देखकर और तरस खाकर भीख दे ही देते हैं। पप्पू कुमार अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा रहे हैं। है ना मजेदार पप्पू कुमार की कहानी। फैशनेबल तरीके से भीख मांगते हैं। मासूम साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदल कर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुँचते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं। वहाँ उनका खुद का एक कमरे का फ्लैट है, साथ ही 30 लाख रुपए की अन्य संपत्ति के साथ लगभग 30 लाख तक की संपत्ति है। परिवार वालों के समझाने के बाद भी ये अपने फैशनेबल तरीके से भीख मांगना नहीं छोड़ते। कृष्ण कुमार गीते नलोसपुरा में रहने वाला कृष्ण कुमार गीते अपने भाई के साथ अपने खुद के फ्लैट में मजे से रहता है। वह दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है और महीने में 10 से 15 हजार कमा लेता है। इसके अलावा कृष्ण कुमार के पास बैंक में लाखों पैसा जमा है। विदेश यात्रा कर चुकी हैं भिखारी सारवित्रिया देवी। भिखारी सारवित्रिया देवी इनसे मिलिए। ये हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सारवित्रिया देवी। ये पटना में रहती हैं और सालाना 36,000 रुपए भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रीमियम का भुगतान करती हैं। भीख से हुई आमदनी से ये अपनी बेटी की शादी कर चुकी हैं और इनके पास भी खुद का घर है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये 7 तीर्थ स्थानों पर तो घूम चुकी हैं, साथ ही विदेश यात्रा भी की है। संभाजी काले रोज कमाते हैं 1,500 रुपए। संभाजी काले भिखारी मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार से आते हैं। संभाजी काले रोज भीख मांग कर 1,500 रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा इनके पास खुद के 2 घर और इतने ही प्लॉट है, और तो और इन्होंने बैंकों में भी निवेश कर रखा है। परिवार मना करता है फिर भी हाजी भीख ही मांगते हैं। भिखारी हाजी हाजी मुंबई से हैं। इनकी रोजाना की आमदनी 2,000 रुपए है। त्योहारों के समय इनकी आमदनी बढ़ जाती है। इनके पास खुद का घर है और साथ में ही लगभग 15 लाख तक के प्लॉट भी हैं। इसके अलावा हाजी का खुद का जरी का कारखाना है, जहां 15 लोग काम करते हैं। अपने परिवार के समझाने के बाद भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ते। हाजी कहते हैं कि एक ठीक ठाक आमदनी शुरू होने पर वे अकेले रहने लगेंगे। खमम की रामबाई ने आज तक नहीं बताई अपनी संपत्ति। भिखारी रामबाई खमम की रामबाई को हर कोई जानता है। ये खमम में बहुत लोकप्रिय हैं। हालांकि इन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा तो नहीं किया है, पर जिस दिन इनकी संपत्ति की पोटरी का खुलासा होगा आपके जरूर होश उड़ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड रखती हैं सबसे बुजुर्ग भिखारी लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास को सबसे बुजुर्ग भिखारी माना जाता है। लक्ष्मी 1964 में 16 साल की उम्र से ही भीख मांग रही हैं। लक्ष्मीदास को पोलियो है और इन्होंने भीख मांग कर मोटा बैंक बैलेंस बना लिया है। अभी हाल ही में उन्हें बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला है। है ना कमाल। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।